फाइव, फाइव, से लेके फाइव तक अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स होते हैं जो शुरू होते हैं वन से वन टू थ्री एंड सो ऑन एंडलेस होते हैं पर उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वन उसके बाद आते हैं होल नंबर्स ये शुरू होते हैं जीरो से और साथ इसके लग जाती है सारी कैटेगरी ऑफ नेचुरल नंबर्स फाइन इसके बाद आते हैं इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं पॉजिटिव्स भी आते हैं और जीरो भी आता है फाइन उसके बाद आते हैं राशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है राशनल नंबर्स के अंडर दो तरह की कैटेगरी आती है एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टर्मिनेटिंग में जैसे कि जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव And repeating means, bar, bar, जिनके ऊपर लगा हो, bar means, अगर आप बार हटाओगे तो वो digits जो है एंडलेस टाइम्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे उसके बाद आते हैं इर राशनल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर्स में से अगर हम राशनल नंबर्स की कैटेगरी को निकाल दें तो इशनल बन जाते हैं ये होते हैं किसी भी प्राइम नंबर को आप स्क्वायर रूट में डालो तो वो इशनल बन जाता है इसके अलावा पाए ई या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर एग्जांपल 1.01, 0.01, 0.001, 000001 इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जीरोस रिपीट नहीं हो रहे हैं जीरोस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं दैट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल की कैटेगरी में आ गया सो so, देखो हमने पढ़ा नेचुरल नेचुरल आता है होल नंबर्स के अंडर होल आते हैं इंटीजर्स के अंडर इंटीजर्स आते हैं रेशनल नंबर के अंडर और राशनल और इरेशनल नंबर्स मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स को रियल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है आर से राशनल की होती है क्यू से इरेशनल की होती है आर माइनस क्यू दैट मींस रियल में से राशनल नंबर्स की कैटेगरी बाहर कर दी जाए इंटीजर्स को आप आई से भी कर सकते हो जेड से भी कर सकते हो Whole से और नेशनल एन से अब आती है बारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो इसको डिस्कस करने के लिए हम एक चैप्टर पढ़ा हुआ है टेंथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि वहीं से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में ज्यादा क्लियर समझ आएगा देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोम क्या होता है वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं फाइन जैसे इन जर्नल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ठीक है अगर हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या हमें एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू ये अब इक्वेशन बनगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं टेंथ क्लास में चैप्टर नंबर फोर आता है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि अगर हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो पहले नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करना पड़ता है दैट मीन सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट डिफरेंट. फाइन. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो आती है तो रूट्स जो होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे. थर्ड केस था उसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो गया तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे है ना तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई रूट्स एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे देखो ये बन गया बी स्क्वे यहाँ पे बी की वैल्यू है टू ए की वैल्यू है और C की वैल्यू है टू यहाँ पे हमने वैल्यू फिट ऑन करी तो हमारे पास कर स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू टू ये बन गया फोर माइनस एट विच इज इक्वल टू माइनस फोर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए लेस देन जीरो आ रहा है इसका मतलब है इसके रूट्स जो हैं वो डू नॉट एग्जिस्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे इसका रीजन क्या देखो अगर हम रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालें तो वो होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय टू ए देखो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज फिट कर दें तो वो आ जाएगा माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर अपॉन टू ए दू इंटू वन 2 टू तो ये बन गया माइनस टू प्लस माइनस फोर का स्क्वायर रूट शॉर्ट आउट हो गया वो बन गया टू पर अंदर फोर रही माइनस फोर था तो दैट मींस यहाँ पे माइनस वन इंटू फोर था माइनस वन अंदर ही रह गया फोर को स्क्वायर रूट से आपने बाहर कर यहाँ पे बन गया माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस क्योंकि टू टू हमने कटिंग करवा ली तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई देखो ये जो माइनस वन का रूट है ये सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है और यही हमारा की फैक्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए दैट मींस, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नया वर्ड एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस होती है दैट इज आयोटा आयोटा की वैल्यू होती है माइनस वन का स्क्वायर रूट उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से सो so, आई की वैल्यू होती है माइनस वन का स्क्वायर रूट सो जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं लेट अस सपोज मैंने करा माइनस ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन इंटू ट्वेंटी फाइव ये बन गया माइनस वन इंटू फाइव क्योंकि फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव दैट मीन ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट तो शॉर्ट आउट हो गया इसको हम लिखेंगे फाइव आयोटा आयोटा आस माइनस वन का स्क्वायर रूट ये जो वैल्यू बनी है दिस इज नोन एज इमेजिनरी नंबर सो एवरी नंबर इन द वर्ल्ड कंप्राइज ऑफ टू पार्ट वन इज द रियल एंड अदर इज द इमेजिनरी सो बेसिकली हमारा नंबर सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है कहने का मतलब है जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं एक रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे नंबर लिख दिया थ्री आप कहोगे ये तो सिंपल सा एक नेचुरल नंबर है अगर हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम यहां पे लिखेंगे थ्री प्लस जीरो आयोटा जीरो इंटू समथिंग इज जीरो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया जीरो आयोटा मीन्स ये जो जीरो है ये बन गया इमेजिनरी पार्ट सो टेंथ तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ा है अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आता है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते फाइन क्यों नहीं करते क्योंकि तब हमें स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स नहीं करवाया जाता अब प्लस वन में चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें बताया गया है कि एवरी नंबर इज ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आइटा वाई वेयर एक्स इज द रियल पार्ट ये आपका रियल पार्ट है और जो y है दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट जिस पार्ट के साथ आयोटा लग जाता है वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैटेगरी को c से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे रियल को r से किया जाता है इमेजिनरी को आई एम से बोल सकते हैं तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है जो आईटा है उसकी वैल्यू होनी चाहिए माइनस वन का स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो बन जाएगा माइनस वन का स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर ये बन गया माइनस वन अगर आप आईटा क्यूब करोगे तो वो बन जाएगा आईटा इंटू आईटा स्क्वेर तो वो बन सकता है बन सकता है आईटा इंटू माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा एक और कर लेते हैं आइटा पार फोर दू तो का स्क्वायर सो दिस टू टू का विच तो वन, सो हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो हैं वो डिस्कस करी हैं आयोटा की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर रूट आई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू माइनस And to power 4 is equals to 1. So, these values we implement before we them. So, let us start with question number 1 of exercise 5.1. Express each of the complex number given in the exercises 1 to 5 in the form a plus to b. First part is given as. फाइव आयोटा इन टू माइनस थ्री अपॉन फाइव आयटा ये बन गया फाइव आयोटा इन टू माइनस थ्री अपॉन फाइव आयोटा फाइव से फाइव कट गया हमारे पास आ गया माइनस थ्री इन टू आइटा स्क्वेर आयटा स्क्वायर दैट मींस माइनस वन क्यों अभी अभी हमने पढ़ा है आयटा इज इक्व टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन एंड आईटा स्क्वायर इज इक्व टू माइनस वन तो यहाँ पे हमने वैल्यू जो है उसकी डाल दी माइनस इंटू माइनस कट गया सो so यहाँ पे थ्री इंटू वन थ्री आ गया इसको हमने रिप्रेजेंट करना है ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं थ्री प्लस जीरो आइटा, फाइन अगर हम इसको कंपेयर करें ए प्लस आइटा बी से सो हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है थ्री और बी की वैल्यू आ रही है जीरो क्वेश्चन नंबर सेकंड आईटा पार नाइन प्लस आयोटा पार नाइनटीन तो सबसे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये लिखना चाहिए आईटा स्क्स टू माइनस वन एंड फोर वन हमने आईटा पार नाइन को लिख लिया आईटा पार एट प्लस वन और नाइनटीन को लिख लिया एटीन प्लस वन हमने एक्सपोनेंट एंड पार्स में एक प्रोसेस पढ़ा हुआ है दो बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पार्स जो है वो प्लस हो जाती है ऑलरेडी यहाँ पे पार्स प्लस में है तो हम दो बेसिस अलग अलग कर देते हैं फाइन सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा आइटा की पार एट को हम लिख सकते हैं आइटा की पार फोर के ऊपर पार टू क्यों क्योंकि पार के ऊपर पार हो तो पार्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है मल्टीप्लाई हो रही थी हमने ऐसे लिख दिया सेम प्रोसेस एटीन को भी लिख सकते हैं टू के ऊपर नाइन या तो हम पार टू बनाने की कोशिश करेंगे या फोर फोर बन जाए तो सबसे बड़ी वन अगर फोर नहीं बन रहा है तो टू तो जरूर बन जाए जैसे यहाँ पे क्यों क्योंकि आईटा स्क्वायर इज माइनस वन फाइन और यहां पे बन गया 1 वन का स्क्वायर वन वन इन टू इज आईटा माइनस वन की पार नाइन पार में ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा यहाँ पे आ गया माइनस वन इन टू आयोटा ये बन गया आयोटा माइनस आयोटा आयोटा से आयोटा कट गया हमारे पास आ गया जीरो सो अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे ये जो ए की वैल्यू है वो है जीरो और बी की वैल्यू भी जीरो है क्वेश्चन नंबर थर्ड आयोटा की पार दे रखी है माइनस थर्टी नाइन इसको हम लिख सकते हैं हमने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट में ए एक की पार नेगेटिव हो तो उसका रेसिप्रोकल कर दो पार में चेंज हो जाती सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया अभी थर्टी नाइन को हम लिख सकते हैं थर्टी एट प्लस वन तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था दो बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पार्स प्लस हो जाती है पार्स ऑलरेडी प्लस में है तो दो बेसिस अलग अलग मल्टीप्लाई करा दो फाइन थर्टी एट को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पार नाइनटीन इनटू आयटा क्योंकि टू इंटू नाइनटीन थर्टी एट और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन की पार नाइनटीन इंटू आयोटा अभी ये माइनस वन के ऊपर जो पार है नाइनटीन नाइनटीन एक ऑर्ड नंबर है मींस यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन इंटू आयोटा ये बन गया वन माइनस आयोटा इसको अभी हमें राशनाइज करना पड़ेगा हमने आयोटा नीचे छोड़ना है तो यहाँ पे बन गया आयोटा अपॉन माइनस आइटा इंटू आयोटा इज आयटा स्क्वेर अभी आयटा स्क्वायर की हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पे बन गया माइनस वन माइनस से माइनस कट गया हमारे पास नीचे आ गया वन सो दिस इज इक्वल टू आयोटा अब हम इस यहाँ पे ये यह जो आयोटा की पार माइनस थर्टी नाइन थी वो बन गया आयोटा के इक्वल इसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस वन आयोटा क्योंकि आयटा के साथ कुछ नहीं था तो हमने वन लगा लिया रियल पार्ट इसमें दिख नहीं रहा था तो हमने खुद से जीरो प्लस कर लिया फाइन तो इसको अगर हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में देखें तो ए की वैल्यू आ रही है जीरो और बी की वैल्यू आ रही है वन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर थ्री इंटू सेवन प्लस आयोटा सेवन प्लस आयोटा इंटू सेवन प्लस आयोटा सेवन तो पहली ब्रैकेट के साथ थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है कर लेते हैं सेवन इंटू थ्री इज ट्वेंटी वन प्लस आयोटा थ्री इंटू सेवन इज ट्वेंटी वन प्लस आयोटा इंटू सेवन इज सेवन आयोटा इंटू आयोटा इंटू सेवन तो यहाँ पे बन गया ट्वेंटी वन ये भी आयोटा की वैल्यू है ये भी तो ट्वेंटी वन प्लस सेवन इज ट्वेंटी एट आयोटा आयटा स्क्वेर इज माइनस वन माइनस वन इंटू सेवन इज माइनस सेवन तो यहाँ पे ट्वेंटी वन में सेवन जब हमने सब करा तो आ गया हमारे पास फोर्टीन फोर्टीन प्लस ट्वेंटी एट आयोटा जब हमने इसको ए प्लस आयोटा बी के इक्वल करा तो ए की वैल्यू आ गई फोर्टीन विच इज द रियल पार्ट बी की वैल्यू आ गई ट्वेंटी एट विच इज द इमेजिनरी पार्ट पार्ट नंबर फाइव वन माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट माइनस वन प्लस सिक्स आयोटा तो सबसे पहले तो ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस माइनस इंटू प्लस इज माइनस अब वन में वन ऐड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट्स हैं ये माइनस आयोटा के साथ लगता है माइनस वन आयोटा अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा टू माइनस सेवन आयोटा अगर हम इसको a प्लस आईटा बी की फॉर्म से कंपेयर करें तो a की वैल्यू टू और b की वैल्यू माइनस सेवन बन रही है सो दीज आर द आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव होप यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब आर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन आर चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग